आज का हमारा टॉपिक है कॉल मनी किसे कहते हैं और इसे कौन बोरो करता है। आंसर है बैंक्स। बैंक्स ही कॉल मनी को बोरो करते हैं। वो बैंक्स जिनको टेम्पररी शॉर्टेज ऑफ फंड्स, अचानक उनके पास कैश कम हो जाता है। कॉल मनी एक इंटरबैंक ट्रांजैक्शन है। इंटरबैंक ट्रांजैक्शन माने जैसे हम बात करते हैं इंटर स्कूल कंपटीशन की, दो स्कूल्स के बीच का कंपटीशन, इंटर कॉलेज डिबेट माने दो कॉलेज के बीच की डिबेट, उसी तरह से कॉल मनी इंटरबैंक ट्रांजैक्शन है, दो बैंक्स के बीच की ट्रांजैक्शन। जब कभी आपको पैसे की नीड होती है तो आप कहां से उधारी लेते हो, अपने दोस्त से या अपने रिश्तेदार से। उसी तरह से जब बैंक्स के पास पैसे की कमी हो जाती है तो वो दूसरे बैंक से पैसा उधारी मांगता है। ये जो कॉल मनी वाली उधारी है ये ज्यादा से ज्यादा 15 दिन, 1 से 15 दिन तक की उधारी होती है। इसमें संडेज काउंट नहीं होते हैं। जब देने वाले को पैसे की जरूरत पड़ती है वो वापस मांग लेता है। कॉल मनी जनरली कॉल पर अरेंज होने वाला पैसा होता है। एक बैंक दूसरे को फोन करता है कि भैया मुझे पैसे की जरूरत है, दे दो, वो दे देता है। जब उसको वापस मांगना होता है वो वापस कॉल करता है, मुझे पैसे वापस दे दो, मिल जाते हैं। बात ये हुई कि पैसे कम क्यों होते हैं। आरबीआई ने स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और कैश रिजर्व रेशियो का एक लेवल रखा है जो हर बैंक को मेंटेन करना पड़ता है। कभी कभी उस लेवल को मेंटेन करने के लिए पैसे कम पड़ जाते हैं तो टेम्पररी शॉर्टेज ऑफ फंड्स जो है वो बैंक्स को फेस करनी पड़ती है, इसलिए वो दूसरे बैंक से उधारी मांगते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा 2 मिनट्स में कॉल मनी किसे कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।